हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी आवेशों को हम लोग कैसे वितरित करते हैं, बांटते हैं। तो चलिए ये समझते हैं, आवेशों का वितरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक जो होता है आपका असतत वितरण, असतत का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस। और जो दूसरे प्रकार का होता है वो हमारा होता है सतत वितरण, यानी कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है आपका असतत वितरण और एक होता है सतत वितरण। अब जानते हैं असतत वितरण क्या होता है। तो असतत वितरण में आवेश जो होता है किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर, या फिर ऐसे कह सकते हैं आवेशों का जो वितरण होता है वह सभी जगहों पे एक समान रूप से नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, ठीक है। यहाँ पे माइनस टू ई है, यहाँ पे माइनस ई है, यहाँ पे माइनस सेवन ई है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आवेशों का वितरण है वह कैसा है, असतत है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो जब किसी भी पृष्ठ पर आवेशों का वितरण एक समान रूप से न हो करके असमान रूप से होता है तो इस वितरण को हम लोग क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, असतत वितरण कहते हैं। अब बात करें सतत वितरण क्या है, तो इसी का जस्ट अपोजिट, यानी कि सतत वितरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सतत वितरण में हम लोग यह पढ़ेंगे कि किसी वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश जब बटा रहता है तो इस प्रकार के वितरण को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सतत वितरण कहते हैं। एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पे बटा रहेगा। अब बंटवारे के हिसाब से जो सतत वितरण होगा वो भी हमारा कितने प्रकार का हो जाएगा, तीन प्रकार का होगा। कौन कौन से तीन प्रकार का होगा, चलिए आइए सीखते हैं। तो पहला जो होगा वो हमारा रेखीय होगा, यानी कि लीनियर। दूसरा जो होता है वो होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय को मुख्य क्षेत्रफलीय भी कहते हैं, यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरे प्रकार का जो होता है वो होता है हमारा आयतनिक, आयतनिक आवेश वितरण, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि आवेशों का वितरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है असतत और एक होता है सतत। असतत में क्या होता है, सभी जगहों पे आवेशों का वितरण समान नहीं होता है। सतत में क्या होता है, आवेशों का वितरण सभी जगह पे एक समान रूप से होता है। अब ये एक समान रूप से बंटने को भी हम लोग तीन पार्ट में बांट लिए हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल में क्या होता है, रेखीय, यानी कि कोई तार हो, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई तार हो तब आवेशों का जो वितरण होगा वह क्या होगा, रेखीय वितरण होगा। और यहाँ पे ले लेते हैं कोई पृष्ठ हो, सभी जगह पे एक समान रूप से बटा हो। तीसरा नंबर आयतनिक की बात करें तो आयतनिक के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई अचालक गोला, यहाँ पे हम लोग गोले को बताने का कोशिश कर रहे हैं, अचालक गोले की बात करें तो अगर आवेशों का वितरण सभी जगहों पे एक समान रूप से होगा तो इस प्रकार के वितरण को हम लोग क्या कहेंगे, आयतनिक आवेश वितरण। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, आवेशों का वितरण कैसे कैसे आवेश को बांटा जाता है। तो आवेशों के घनत्व के बारे में हम लोग सीखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो इस तरीके से यह हमेशा 1D के लिए होगा, मान लेते हैं कि यह कोई आपका चालक तार है, अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है, ठीक है। यहाँ पे घनत्व तो को हम लोग लेमडा से लिखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व तो को लेमडा से लिखते हैं। और होता क्या है, तो किसी चालक के, या कह सकते हैं कि किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित
आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व तो कहते हैं। किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व तो कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व तो को लेमडा से लिखते हैं और लेमडा इज इक्वल टू फार्मूला आपका बनेगा क्यू अपॉन एल। मात्रक जो होगा, आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, यानी कि इसका जो मात्रक होगा वह कूलाम पर मीटर। बीमा की बात करें, कूलाम का क्या होता है ए टी, लंबाई का क्या होता है एल। जब दोनों को एक साथ मर्ज कर लेंगे तो बन जाएगा ए टी एल पे पावर माइनस वन। तो ये आपका होगा रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है, इसका फार्मूला मात्रक और बीमा। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व के बाद हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। जहां लीनियर था वहीं पर हमारा क्या जाएगा, सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को सीखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए एक छोटा सा कोई सरफेस ले लेते हैं, कोई पृष्ठ ले लेते हैं। आवेश जो है वह एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पे बटा हुआ है, क्यू आवेश दिया गया है और क्यू आवेश जो है वो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से बटा हुआ है। तब क्या कहते हैं हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व तो होता क्या है, तो किसी पृष्ठ के, या ऐसे कह सकते हैं किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कहते हैं। और इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, यानी सिग्मा इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या बनेगा, क्यू अपॉन ए। मतलब किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कितने आवेश हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कहते हैं। सिग्मा से लिखते हैं, फार्मूला होगा क्यू अपॉन ए। मात्रक और बीमा के बारे में बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। सेम जैसे बीमा आप निकालना जानते हैं, बीमा अगर आप इसका निकालेंगे तो मिलेगा ई टी एल टू दी पावर माइनस टू। अब तीसरे प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा जो होता है वो आपका होता है आयतनिक आवेश घनत्व। तीसरा जो पढ़ेंगे वो होगा आपका आयतनिक आवेश घनत्व। इसके लिए चलिए मान लेते हैं हमारे पास कोई अचालक गोला है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है और इस गोले के संपूर्ण भाग में, पूरे भाग में एक समान रूप से बटा हुआ है। अचालक गोला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चालक गोले को जब आवेश दिया जाता है तो वह आवेश जो होता है संपूर्ण रूप से उसके बाहरी पृष्ठ पे आ जाता है। इसलिए जब कभी भी हम लोग यहाँ पे 3D फिगर लेंगे तो वह हम लोग क्या लेंगे, अचालक लेंगे, क्योंकि अचालक को जिस भाग में हम लोग चार्ज दे देते हैं उसी भाग का उसी भाग में रहता है, कहीं जाता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके एकांक आयतन में, आयतन के लिए हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चाहिए। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा आयतन हम लोग काट लिए हैं, ठीक है। तो इस छोटे से आयतन में जितना आवेश होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व तो कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के एकांक आयतन में, किसी भी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को उस वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व तो कहते हैं। और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। फार्मूला क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। मात्रक की बात करें तो आवेश का कूलाम और आयतन का होता है मीटर क्यूब, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। बीमा की बात करें, बीमा क्या होगा, तो बीमा आप निकालना जानते हैं ए टी और एल टू दी पावर माइनस थ्री हो जाएगा, अगर इसको ऊपर ले चलेंगे। तो इस तरीके से आपने पढ़ा कि आवेशों का वितरण किस प्रकार से होता है और आवेशों के वितरण के अनुसार उनके घनत्व का फार्मूला क्या होता है। ये सभी आपके आगे आने वाले चैप्टरों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आधार बनेंगे।